आदर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे तथा मस्त होंगे। मित्रों, आज यह वीडियो हमारे घर में चल रहे पति पत्नी के बीच में दिन रात का कलेश जो चलता है, उसे आप कैसे दूर करें, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आप ये सरल उपाय अपनाते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ निश्चित ही आएंगी। तो मित्रों, अगर आपके घर में भी पति पत्नी के बीच में रोजाना कलेश हो रहा है, तो आप देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा करें, उनके सामने घी का दीपक जलाकर तथा अपने परिवार के लिए तथा आपसी तालमेल के लिए पूजा अर्चना करें और उनसे आशीर्वाद लें। मित्रों, वह तो सभी को पता है कि शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा व माता लक्ष्मी को समर्पित है। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में कलेश हो रहा है, तो आप माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करें। पूजा के समय आप लाल फूल समर्पित करें। मित्रों, गुरुवार के दिन 11 हल्दी की गांठें एक कपड़े में लपेटकर वह अपने हाथ में लें तथा पूजा के समय ओम भगवते वासुदेवाय नमः करके मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस जाप करने के बाद इन्हें भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में रखें तथा अपने सुखदायी जीवन के लिए विनती आराधना करें। मित्रों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, तो आप लोबान, गूगल तथा कपूर इन चीज़ों का मिश्रण बनाकर रोजाना अपने घर में धूप करें। मित्रों, पति को पत्नी की बाईं तरफ नहीं सोना चाहिए, इससे भी यह कलेश उत्पन्न होता है। तो हमेशा पति अपनी पत्नी के दाईं तरफ सोए, इससे आपके घर का कलेश काफ़ी हद तक कम होता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।